हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खुश होंगे और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान दे रहे होंगे। आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि तुमने अपना चेस्ट फैट कैसे लूज़ किया, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मधुलिका ने अपना चेस्ट फैट कैसे लूज़ किया। एक एज के बाद हर लड़की की बॉडी में कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। जब मैं 16 से 17 साल की थी तो मेरी बॉडी में भी काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस आए और अचानक से मेरा वेट बढ़ने लगा। तो लाइक एवरी अदर गर्ल, आई शेयर एवरी थिंग विथ माई मदर, और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उन्होंने मुझसे डायरेक्टली बोला कि ये जो तुम बाहर का चटर पटर डेली खाती हो ना, इसी वजह से तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। खाओ बट कंट्रोल में खाओ बाहर का खाना, घर का पौष्टिक आहार खाओ, घर का खाना टाइम पर खाओ और रेगुलर एक्सरसाइज करो। उनकी ये बातें मुझे अभी तक इसलिए याद हैं, 2016 की बात है ये, बट अभी तक इसलिए याद हैं क्योंकि मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं, बट स्टिल उनकी बताई हुई एक्सरसाइजेस मेरे लिए हमेशा से इफ़ेक्टिव रही हैं, बहुत फ़ायदेमंद रही हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करूँगी जो मैं तब किया करती थी जब मेरा चेस्ट फैट काफ़ी ज़्यादा था, और मैंने कंटिन्यू इन एक्सरसाइजेस को 1-1.5 महीने तक किया और मेरा चेस्ट फैट धीरे धीरे लूज़ हो गया। और साथ में मैं आपको कुछ और एडिशनल एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो मैंने कई एक्सपर्ट से सीखी हैं। बट यू नीड टू नो वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि चेस्ट फैट कैसे लूज़ होता है। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तब आपका चेस्ट फैट लूज़ होगा। जब आप पौष्टिक आहार खाएंगे यानी कि घर का हेल्दी खाना खाएंगे तब आपका चेस्ट फैट लूज़ होगा। तो इन दोनों बातों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को टैप कर दीजिए, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 बहुत इजी है। आप कोई भी अपनी टी शर्ट ले लीजिए और स्ट्रेट खड़े रहिए, और इस पोजिशन में जैसे मैं खड़ी हूँ अपनी टी शर्ट को टाइटली होल्ड करके रखिए और पीछे की तरफ इसे पूरे फोर्स के साथ पुल करना है, लाइक दिस। अगर मैं किसी एक्सरसाइज में मैं मूव करते हुए आपको दिखूं, जैसे मैं इसमें मूव कर रही हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी मूव करना है। अगर मैं मूव कर रही हूं तो इसका मतलब कि मैं आपको पोजीशन दिखा रही हूं कि एक्सरसाइज करते टाइम हमारा बॉडी पॉस्चर कैसा होगा। इस एक्सरसाइज को हमें 15 टाइम्स करना है और इसको 3 बार करनी है, यानी 15 रेपिटेशंस इनटू 3 सेट्स। तो अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। आपने जिम में देखा होगा कि टोनिंग ट्यूब रहती है वेट के साथ, और हम कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज किया करते हैं। मुझे नाम नहीं पता है क्योंकि मैं ज़्यादा दिन जिम नहीं गई हूँ। अगर मैं गिन के बताऊँ तो मैं 20 दिन जिम गई हूँ, बाकी पूरा का पूरा वेट लॉस मैंने घर पर रेगुलर वर्कआउट करके किया है। दिस इज़ द ट्रिक अबाउट माय वेट लॉस जर्नी। एनीवेज, तो ये वर्कआउट के लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं बताती हूँ हाउ टू डू दिस, ठीक है। अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ टाइटली ऐसे स्ट्रेच करिए, ठीक है, और इसे नीचे की तरफ पुल करेंगे पूरे फोर्स के साथ। स्ट्रेट खड़े होना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मेरे हाथ को देखिए, मेरा हाथ एकदम स्ट्रेट नहीं है और एकदम ढीला भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से बेंट है, ठीक है। 1, 2, जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे ही करिए। इस एक्सरसाइज को हमें 15 टाइम्स करना है और इसके भी टोटल 3 सेट करेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हम अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, नीचे ही रखेंगे, और पूरे फोर्स के साथ अपने दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पुल करेंगे, बॉडी हमारी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ। 1,
टू थ्री। मेरा हाथ, एक हाथ नीचे है और एक हाथ ऊपर है, ठीक है, नोटिस करिएगा मेरे हाथों के मूवमेंट्स को। वन टू, रेपिटेशंस कैसे काउंट होते हैं देखिए, वन टू, दोनों साइड का मिला के एक काउंट होता है। इस एक्सरसाइज को हम 15 टाइम्स करेंगे और इसके भी टोटल हमें 3 सेट करने हैं, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, स्ट्रेट अपने हाथों को रखिए, नीचे मत रखिएगा, ऊपर मत रखिएगा, स्ट्रेट शोल्डर से स्ट्रेट, और पीछे की तरफ पुल करेंगे, सॉरी पुश करेंगे, आई डोंट नो पुल और पुश, इन एंड आउट, ओके, लाइक दिस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। इस एक्सरसाइज को हमें 15 टाइम्स करना है और इसके भी हमें टोटल 3 सेट करने हैं, 15 टाइम्स 3 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, जब आपको याद होगा क्लास वन, मतलब मुझे याद है जब मैं क्लास केजी और वन में थी तो हमारी पीटी टीचर कराया करती थी राउंड। यस, दिस एक्सरसाइज इज इफेक्टिव फॉर योर चेस्ट फैट। अपने दोनों हाथों को फास्ट ऐसे राउंड मूव करिए, 45 सेकेंड्स तक या 1 मिनट तक अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं देन इट इज़ वेरी गुड। तो 45 सेकेंड्स तक आप अपने हाथों को ऐसे 3 बार मूव करिए, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, 45 सेकेंड्स एंटी क्लॉकवाइज, 45 सेकेंड्स क्लॉकवाइज, ओके। तो अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6। कैमरा थोड़ा नीचे है बिकॉज आई हैव टू शो यू द पॉस्चर। तो हम थोड़ा सा ऐसे बेंच होंगे, हल्का सा, बहुत बेंच मत हो जाइएगा, हल्का सा बेंच होंगे, और अपने दोनों हाथों को ऐसे एकदम स्ट्रॉन्गली ऐसे होल्ड करके रखिए और पीछे की तरफ अपने हाथ को पुल करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। इस एक्सरसाइज को हमें 15 टाइम्स करना है और इसके भी टोटल 3 सेट करेंगे। रेपिटेशंस कैसे काउंट हो रहे हैं, वन देन टू, दोनों साइड का मिला के एक काउंट होता है। पूरे फोर्स के साथ पीछे पुल करिए जैसे मैं कर रही हूँ और अपनी बॉडी को हल्का सा बेंट रखिए। एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7। सिंपल, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखिए। आर यू एबल टू सी माई हैंड्स, वेट। यस, सिंपल अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखिए और जब छोटे रहते थे तो पीटी करते थे ना, सो लेट्स डू पीटी, फ्रीक्वेंटली करिए, फास्ट फास्ट करिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। इस एक्सरसाइज के भी हमें 15 रेपिटेशंस करने हैं और टोटल 3 सेट करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपका ये पार्ट मूव होता है चेस्ट का, यू, वेरी इफेक्टिव और बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज फॉर चेस्ट फैट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें थोड़े वेट की ज़रूरत है, ये 3 केजी का डंबल है, बट अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप 1 लीटर की बॉटल यूज़ करिए, उसमें पानी फिल कर लीजिए और डंबल की जगह वाटर बॉटल यूज़ करिए। बट अगर आपको कोई भी फिटनेस या हेल्थ ग्रोसरी रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए
तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, उसमें मैंने सारी लिंक्स मेंशन कर दी हैं, आप लिंक्स के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करते हैं। आप हल्का सा बेंट होंगे, पूरा स्ट्रेट नहीं रहना है। देखिए मैं थोड़ा सा बेंट हुई हूँ और डंबल को ऐसे पकड़ के रखेंगे, ऐसे नहीं पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा है वैसे पकड़ना है, और आराम से इसे पीछे की तरफ पुल करेंगे। ठीक है, वॉच मी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस एक्सरसाइज के हमें 15 रेपिटेशंस करने हैं और टोटल 3 बार करेंगे हम, 15 रेपिटेशंस इंटू 3 सेट्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 9 है, लास्ट एक्सरसाइज। हमें इसमें डंबल्स की ज़रूरत पड़ रही है, बट अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप वाटर बॉटल का यूज़ करिए, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 8 में बताया। ठीक है, एंड डू इट लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक्सरसाइज आपकी पूरे चेस्ट को एंगेज करके रखती है, सो दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर चेस्ट फैट। इस एक्सरसाइज के हमें 15 रेपिटेशंस करने हैं और 3 बार करेंगे, यानी कि 15 टाइम्स इंटू 3 सेट्स, एंड वी आर डन विथ आवर चेस्ट एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद योर अपर बॉडी इज गोइंग टू बर्न अलॉट, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइजेस आपकी अपर बॉडी को टारगेट करती हैं। एंड वन मोर थिंग कि गर्मी का मौसम आ गया है और आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि वेट लॉस के बाद क्यों हेयर फॉल होता है या हेयर फॉल क्यों होता है। जब हम वर्कआउट करते हैं और बालों को ऐसे ही बंधा रहने देते हैं, बाल ओपन नहीं करते हैं, तो स्कैल्प में डर्ट, ऑयल और ग्रीस ये सब इकट्ठा हो जाता है जो हमारे हेयर के लिए अच्छा नहीं है। तो बाल खोल लीजिए और फैन चला लीजिए और बालों को सूखने दीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून। बाय।